राष्ट्रीय फल आम का भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध है। आम का नाम सुनते ही मुंह में अनोखा रस खुल जाता है, इसीलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम की 1500 से अधिक प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती हैं, जिनमें से 1000 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। आम का काजू और पिस्ता की प्रजातियों से संबंध है। आम का पेड़ 100 फीट तक बड़ा हो सकता है। आम अपने स्वाद के कारण पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है। पूरे विश्व में आम के उत्पादक देशों में से भारत पहले स्थान पर है। आम की प्रमुख किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, फजली, सुंदरी, मालदा और चौसा है। ये हरे, पीले और नारंगी रंग में पाए जाते हैं। आम एक मीठा फल है। स्वाद के साथ फायदों की खान है आम। गर्मियां तो बिना आम के सेवन के बिल्कुल अधूरी हैं। आप कोई भी फल खा लें, लेकिन आम को अपनी फ्रूट बास्केट में शामिल करना कभी न भूलें, क्योंकि स्वाद के साथ आम खाने के कई फायदे भी हैं। अगर आप भी आम की खेती कर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे आज इस खेती के बारे में और देंगे आपको पूरी जानकारी। देश में आम की 250 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 40 किस्म के ही आम देश के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। इनमें दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, चौसा, लाल पत्ता, बादामी, तोतापरी, नीलम, केसर और अल्फांसो आम आदि किस्में हैं, जिसमें से चौसा, लाल पत्ता, दशहरी, लंगड़ा आदि आम की किस्में मई मध्य तक बाजार में आ जाती हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में आम की कुल क्षेत्रफल 2516 हेक्टेयर में पैदावार होती है, जिससे 18431 मीट्रिक टन आम का पैदावार होता है। लेकिन भारत में आम उत्पादकता लगभग 7.5 टन प्रति हेक्टेयर ही होता है। देश में आम उगाने वाले राज्यों में से उत्तर प्रदेश में 2,59,800 हेक्टेयर, बिहार में 1,46,200 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 2,07,600 हेक्टेयर, उड़ीसा में 53,200 हेक्टेयर, केरल में 75,500 हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 55,100 हेक्टेयर, तमिलनाडु में 55,800 हेक्टेयर, कर्नाटक में 80,800 हेक्टेयर, पंजाब में 12,200 हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 20,700 हेक्टेयर, गुजरात में 3200 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 49,900 हेक्टेयर में आम की पैदावार की जाती है। देश के उत्तरी भाग में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई हरा, मलिका और आम्रपाली की पैदावार की जाती है। पूर्वी भाग में हिमसागर, फजली, लंगड़ा, जर्दालू, कृष्णभोग और गुलाब खास की पैदावार होती है। पश्चिम भाग में अल्फेजो, परी, केसर, राजपुरी और जमादार और दक्षिणी भाग में बंगलौरा, नीलम, स्वर्णरखा, पैरी, मलगोवा और अल्फेजो की बम्पर पैदावार होती है। आम की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जबकि अधिक बलुई, पथरीली, क्षारी और जल भराव वाली भूमि में इसका पैदावार नहीं होता। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान सामान्य होना चाहिए, क्योंकि अधिक क्षारी भूमि यानी शुष्क जलवायु वाली भूमि में इसकी पैदावार कम ही देखने को मिलती है। आम के पौधे को शुरुआत में विकास करने के लिए 20 डिग्री के आसपास तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद पौधे पर फूलों से फल लगने और उनके विकास के लिए 27 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है। आम के पौधे को शुरुआत में अच्छे से विकास के लिए उचित मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत में सबसे पहले गड्ढे तैयार करते हैं और समय समय पर प्रत्येक गड्ढों में 25 किलो पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा उसमें 150 ग्राम NPK की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर एक साल के अंतराल में 3 बार दिया जाता है, और जब पौधा 3 साल का हो जाए और फल देना शुरू कर दे, तब उर्वरक की इस मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। इससे पौधे का अच्छे से विकास होता है और फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। आम के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। शुरुआत में एक साल के अंतराल में इसके पौधे को 12 से 15 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे की पहली सिंचाई पौध रोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। उसके बाद पौधे को विकास करने तक नमी बनाए रखने के लिए पौधे को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। पौधे को गर्मियों में सप्ताह में एक बार पानी देना अनिवार्य है और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। और जैसे जैसे पौधे का विकास होता है, वैसे वैसे पौधे की सिंचाई करने का समय भी बढ़ा देना चाहिए।
और जब पौधा पूर्ण रूप से बड़ा हो जाए तो साल में 2 से 3 बार ही सिंचाई की ही जरूरत होती है। जब पौधों पर फूल और फल लग जाए तो पौधों पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान पानी देने पर पौधों से फूल झड़ जाते हैं और पैदावार भी कम हो जाता है। और जब फल आ जाए तो फल के विकास के लिए पौधों को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। आम के पूर्ण विकसित एक पौधे से एक बार में 100 से 150 किलो तक फल पाए जाते हैं, जबकि एक एकड़ में लगभग 400 पौधे आसानी से लगाए जाते हैं। और इन पौधों के पूर्ण विकसित होने के बाद आम का कुल उत्पादन 40,000 से 60,000 किलो तक हो सकता है और बाजार में थोक के भाव 20 से 50 रुपए प्रति किलो तक पाया जाता है। इस हिसाब से किसान पूर्ण विकसित पौधों से एक बार में 8 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक देश में आम की खेती तो सभी करते हैं, लेकिन कई बार आम में रोग और कीट का प्रकोप हो जाता है। इससे आम की फसल को अधिक नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को इसकी रोकथाम सही समय पर कर लेनी चाहिए। आम के फलों का झड़ना एक गंभीर समस्या है। आम के पौधों में लगभग 99% फल कई चरणों में गिर जाते हैं और मात्र 1% फल ही परिपक्व अवस्था तक पहुँचते हैं। अत्यधिक फलों का गिरना आम की उत्पादकता पर विपरीत असर डालता है, तो क्यों ना आप अभी से अपने बगीचे में ऐसा प्रबंध करें जिससे आपको आम के बम्पर उपज के साथ बेहतरीन क्वालिटी भी मिल सके। इसके लिए कुछ तकनीकों को अपनाकर आप आम की बम्पर पैदावार कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक जब आम के फल मटर के दाने बराबर हो जाए तो पेड़ों की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आधा किलो DAP और 200 ग्राम पोटाश यानी रासायनिक उर्वरक प्रति पौधे को देनी चाहिए। इसके बाद 50 ग्राम SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटाश को मई के पहले सप्ताह और तीसरे सप्ताह में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और उस घोल का आम के पौधों पर छिड़काव करें। इससे आम के फलों की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगर आपके पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा हो तो समय समय पर सिंचाई जरूर करें और पौधे का थाला यानी क्यारी बनाकर पुआल या फसल अवशेष से ढक देना चाहिए, जिससे थालों में नमी बनी रहे। इसके अलावा मधुमक्खियां आम की पैदावार के लिए काफी अहम हैं। इसके लिए मधुबक्से को अपने आम के बाग के पास रखें या प्राकृतिक तौर पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हो तो उसे मधुमक्खियों के छत्ते की देखभाल करें। इससे आम की पैदावार अच्छी होती है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक आम में जब बौर खिल जाए यानी मोर लग जाए या 50% तक फूल आ जाए तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। जब फल सरसों के दाने बराबर दिख रहे हों तभी कीट रोगों के बचाव का इंतजाम कर लें। आम के फल पर फफूंद रोग के आने पर उसके नियंत्रण के लिए डाइथीन M45 नामक दवा का छिड़काव करें। इससे आम के फल को काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा 1 ग्राम डाइथीन M45 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर इन उपायों के बावजूद भी आम के पेड़ से कीटों की परेशानी ना जाए और मंजर आने में देर हो तो किसी परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड की 2 मिलीमीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर इसकी घोल तैयार कर लें और इस घोल को आम के पौधे पर नीचे तने से लेकर पत्तियों पर इसका छिड़काव करें, जिसे आम भाषा में पेड़ों की धुलाई कहते हैं। इससे आम के पौधे रोग कीट मुक्त हो जाएंगे और फलों का अच्छे से विकास होगा। अगर आम पौधों पर मिली बग कीट यानी दहिया लगे तो 2 ग्राम सल्फास 1 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM तकनीक भी अपना सकते हैं, जैसे नीम की पत्तियों का चूरा या करंज की खली को आम के पेड़ के 1 मीटर दायरे में मिट्टी में मिला दें, जिससे जमीन में रहने वाले मिलीबग कीट यानी दहिया का प्रकोप नहीं होता। इसके अलावा पेड़ पर चढ़ने वाले कीटों को रोकने के लिए जले हुए ग्रीस या डीजल में इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक का चिपचिपा पेस्ट बनाकर आम के तने के चारों ओर इसका लेप लगा दें। इस तरह की कई विधियों को आप जरूरत के मुताबिक अपनाकर आम के बगीचे को रोग और कीटों से मुक्त कर सकते हैं। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आम का ज्यादा महत्व है। इसकी पत्तियां और लकड़ी विशिष्ट अवसरों पर प्रयोग में लाई जाती हैं। इसकी पत्तियां, छाल, गोंद, फूल और फलों की अनेक प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। और तो और, इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं।
आपको बता दें, हमारे अतीत काल से ही आम के फल की बराबरी कोई फल नहीं कर पाया। इसी के चलते आम आज हर घर में अपनी उपस्थिति रखता है। किसान आम की बागवानी करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।